तो वो तीन ताप क्या हैं और किस तरह से दूर होंगे? सतगुरु, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बताया कि गुरु के चरण ये नहीं हैं। गुरु के चरण तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन से आगे हैं। जब तक आप शरीर के एहसासों में बैठे हुए हो, शरीर के दुख सुख को महसूस कर रहे हो, मन की कल्पना में डूबे हुए हो, तुम उस चरण तक नहीं पहुंच सकते। और वो है गुरु का चरण, क्या है? वो प्रकाश है, वो प्रकाश है। जब प्रकाश में जाओगे तो वहां क्या है? वहां तो दुनिया नहीं है, वहां ना शरीर का दुख महसूस होता है, ना मन की कल्पनाएं हैं, वो प्रकाशमय हैं आप। इसीलिए दादा दयाल जी ने एक शब्द में लिखा है, अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम, अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम, आत्म स्वरूप होकर दुनिया में विचरना, ऐसा कहा उन्होंने। मतलब हम तो मन के स्वरूप में बैठे हुए हैं, हम तो मन के पीछे लगे हुए हैं, तो हम आत्म स्वरूप कैसे हो सकते हैं? तो जब तक कोई इंसान वहाँ नहीं पहुँचता, वो दुनिया के तीन तापों से कभी भी बच नहीं सकता, क्योंकि मन में सब दुख है, मन में ही सुख है, मन में ही अपना है, मन में ही पराया है, मन में ही प्रेम है और मन में ही प्यार, जो कुछ है मन में ही है ना, वहाँ तो है नहीं। जब तक हम मन में है और शरीर में है तो हमारे तीन ताप दूर नहीं होंगे। तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी क्योंकि महाराज की ड्यूटी दाता दयाल ने लगाई कि तुमने तीन ताप से पार करना है जीव को, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ए इंसान, तेरे शारीरिक रोग, तेरी शारीरिक कमजोरी, तेरे दुख के कारण सब तभी दूर होंगे जब तू 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ये मेरे दाता ने बताया, केवल पैर धोकर नहीं होगा कुछ भी, केवल पैर धोकर पीने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, अपने करेक्टर में नहीं रहोगे, तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हें अनेक तरह की बीमारियां लगेंगी और तुम बेचैन की जीवन व्यतीत करोगे। ये पहली बात मेरे दादा ने बताई। दूसरा है हमारी मानसिक कमज़ोरी, मन चंचल है, शरीर कमज़ोर है तो मन चंचल होगा। मन तभी होगा मजबूत जब शरीर मजबूत होगा। मन शरीर कमज़ोर है तो मन बहुत चंचल होता है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज बताया करते थे कि एक बच्चा जो हर्ष पुरुष है, से ठीक है, माँ बाप की से ठीक है, वो तुम्हारी तरफ देखे हंसेगा, वो चैन चैन रह रह नहीं करता, छोटा बच्चा वो रोता नहीं है, जो से ठीक है अच्छी हालत में पैदा हुआ। तो जो गरीब का बच्चा है, सुपड़ा हुआ पैदा हुआ, कमज़ोर पैदा हुआ, वो तो कभी खुश होगा ही नहीं तुम्हारी तरफ देख के, वो तो दूसरे को मुंह करेगा, ऐसा ही है ना। तो जो सेहत है, बॉडी की जो सेहत है, ये पहले प्राइमरी चीज़ है। अगर ये ठीक है तो तुम्हारा मन भी मजबूत रहेगा। इसलिए मेरे दाता ने फरमाया कि मन को ठहराने के लिए सहारा लो। मन सहारा चाहता है, शरीर को सहारा रोटी का है, भोजन का है, फल का है, फ्रूट का है, पानी का है। शरीर तभी तो चलता है, अगर शरीर को भोजन नहीं देंगे तो सूखकर लकड़ी हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा मन है, मन अगर कमज़ोर है तो उसको सहारा दो। ये नहीं मेरे दादा ने कभी कहा कि तुम किसका सहारा दो, जिसका जी चाहे जहाँ मर्जी सहारा दे। कोई देवी को मेरे पास अभी कुछ दिन हुए, इलाहाबाद से कुछ 5-4 लोग आए, उनका मुझे पहले वहाँ से क्या नाम है, चमुंडा देवी से टेलीफोन आया, क्योंकि वो लड़का वहाँ धाम में आया था अपने माता पिता के साथ। तो उसने कहा, महाराज आप ऊना में रहते हैं तो ऊना से होकर हम आए थे, हम दर्शन करना चाहते हैं। मैं कह पहले देवियों के दर्शन कर लो फिर आना। फिर वो सारे घूम कर एक दिन मेरे पास आ गए। मैंने कहा आपके पास जो गाड़ी है, अगर आपका जो ड्राइवर है, अगर वो टैक्सी है तो कुछ GPS चलाना आता होगा कि मेरा घर कहाँ है, मेरा घर का एड्रेस ये है, तो वो GPS लगा ले गाड़ी में
तो वो मेरे घर पहुंच जाएगा। और वो पहुंच गए तो बैठे बातचीत की, वो सारे घूम के आए जितनी भी देवियां थी। मैं कहा बहुत अच्छा किया, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूँगा, एक को मानो, जिसको भी मानना है एक देवी को मानो, एक देवता को मानो, मानना तो मानना तो है ही, तुमने सारा तो लेना ही है। गुरु मत में नहीं है ये चीज़ें, गुरु मत में तो गुरु ही सब कुछ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मे श्री गुरु वे नमः। और गुरु मत में तो लिखा कह दिया क्लियर, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, करो बात, गुरु ने जो बात कही वो ही मंत्र है। गुरु वाक्यम मूल मंत्र पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की ही पूजा है। और ध्यान मूर्त गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से ही मोक्ष भी होगा, वैसे नहीं होगा जो मर्जी करते रहोगे। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, लेकिन क्या सनातन धर्म में ये अब रवायतें हैं? कहाँ है सनातन धर्म में गुरु मत, कहीं नजर नहीं आता। पहले प्रोहत होते थे, वो भी खत्म हो गए, प्रोहत को गुरु मानते थे परिवार वाले, प्रोहत जी आए हैं उनको खाना खिलाना कपड़े देने पता नहीं क्या कुछ होता था, मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ है, लेकिन अब वो खत्म हो गए, प्रोहत भी गए। अब क्या रह गया हमारे पल्ले, ये पड़ गए, ये जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ, खंडित हो गया सनातन धर्म, खंडित हो गया, वो नहीं काम चलेगा। संत मत केवल गुरु मत ही इंसान को सीधा रास्ता बताने वाला है, और कोई चीज़ आपको रास्ता नहीं बताएगी। इसलिए सहारा दो मन को, कहीं भी सहारा दो, लेकिन बाहर का सहारा तुम्हें मोक्ष नहीं देगा, बाहर का सहारा तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा, बाहर का सहारा तुम्हारी दुनिया ठीक कर देगा, लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं अपने घर वापस चल जाऊं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन, वो नहीं हो सकता। दूसरी बात, तीसरी है हमारा आत्मिक अज्ञान, हमें ज्ञान नहीं है मैं कौन हूँ, हम अपने आप को कुछ न कुछ बनाए बैठे हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं, महलों में बट गए, और तो क्या कहूँ मैं, शहरों में बट गए, हम तो बट गए, टुकड़े टुकड़े हुए बैठे हैं, और हमें कोई धर्म इस वक्त रास्ते पर लाने वाला नहीं है। सब अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, कहीं मानवता का नाम नहीं आ रहा। मानवता आएगी, आकर रहेगी, जब तक मानवता नहीं आएगी संसार में दुनिया में मेरे देश में शांति कभी हो नहीं सकती। इसलिए तीन तरह कैसे होंगे, गुरु कहता है कैसे होंगे, दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं, फिर पढ़ो यही लाइन, मंगल में गुरु चरण पाप त्रय हर लेने वाले भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले। अब भव भव के सारे दुख भी वो दूर करता है और शांति देता है, कौन, गुरु के चरण, ये गुरु के चरण नहीं, ये नहीं, गुरु के चरण आपके अंदर प्रकाश है, यही हजूर राय सारग्राम साहब जी महाराज ने लिखा अपनी प्रेम वाणी में, और इसी बात के ऊपर मेरे दाता परम दयाल जी महाराज हमेशा यही बल देते थे कि प्रकाश ही तुम्हारे अंदर गुरु का चरण है। जब तुम प्रकाश में चल जाओगे तो फिर क्या है, भवसागर कहाँ रहा, भवसागर है क्या, ख्याल, दो तरह के ख्याल हैं, एक नेक ख्याल है एक बद ख्याल है, एक अच्छे ख्याल हैं एक बुरे ख्याल हैं। संतों ने कहा कि अगर आप अपनी दुनिया अच्छी बनाना चाहते हो तो नेक ख्याल रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, शिव संकल्प मास्तम रखो, सबका भला चाहो, तुम्हारा भाव सागर अच्छा हो जाएगा। जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, नफरत फैलाता है, आपस में लड़ाई करने की ख्याल करता है, उसका भाव सागर तो अपना ही गंदा हो जाएगा, वो कभी सुखी रह नहीं सकता। द्वेष करने वाला इंसान, जलसी करने वाला इंसान, ईर्ष्या करने वाला इंसान, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो,
वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए सनातन धर्म में वेद मार्ग का रास्ता है शिव संकल्प मस्तु। क्या श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, नानक तेरे पाने सर्वत का भला, ये है सबसे बढ़िया। और सनातन धर्म में भी कहा, सर्वे विवंतु सुखना सर्वे संतु नरामया, वो भी सबका भला चाहता है। लेकिन नजर मार के देखो जरा देश में, सनातन धर्म कहाँ है, कहाँ है सबका भला मांगने वाले, कहीं नजर नहीं आते। मुझे तो नजर नहीं आते, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि एक ही आदमी मिल जाए जिसमें ये ख्याल हो कि जो सबका भला चाहता हो ना, तो कैसे सुखी होगे। ये है वाणी, वो कह रही है कि गुरु चरण तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हारे तीन त्राप भी दुखी दुख को दूर कर देगा, वो तुम्हारे भवसागर को भी पार करके तुम्हें शांति दे देगा। तुम्हें पता लग जाएगा हूँ माई मैं कौन हूँ। जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें क्या दुख होगा, कुछ भी नहीं। दुख तो है मेरे तेरे में, दुख तो है अटैचमेंट में, बंधन में, जहाँ बंधे हुए हो आप, ये भी मेरा वो भी मेरा वो भी मेरा, ये मेरा धर्म है ये मेरा कर्म है ये मेरा कांड है ये है वो, दुख इसी में ही है और किसमें है दुख। जब तुम्हें पता लग गया कि ये बाहर का जितना खेल है ये सारा मन का खेल है, मैं तो कुछ और हूँ, मेरे अंदर है वो। और यही गायत्री मंत्र बार बार कहता है, ऐ इंसान तू स्थूल सूक्ष्म और कारण से आगे जा, वहाँ तेरे अंदर सूर्य रूपी प्रकाश है, उसको अपने जीवन का मार्गदर्शक बना। क्या कोई चलता है इसके ऊपर, कोई नहीं चलता। हमने इजी रास्ता बना लिया, हमने इजी तरीका निकाल लिया कि पानी की गड़बी लो, थोड़े से फूल ले लो, मोमबत्ती उठाओ, जा तेल ले लो और जाके मंदिर में दिया जला लो और धूप जला लो, घंटी बजा लो, पानी गुरु की मूर्ति के ऊपर डाल दो, चलो वो बड़ा खुश हो जाएगा। ये धर्म नहीं है, ये हमें पार नहीं करेगा। आप इसको अच्छा मानो जो मैं कहता हूँ या बुरा मानो, लेकिन असलियत यही है कि ये सब मन के कांड हैं, ये सब मन की सीमा में है। जब तक आप मन की सीमा में हैं आप कभी सुखी नहीं रह सकते। क्या कहा मैंने, इसलिए ये पहली लाइन मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने जो हमें बताया या मुझे बताया, मैं कहूँगा मैं इस बात को समझ गया कि ये है असली गुरु मंगलमय, तुम्हारे अंदर बैठा है, वो बाहर है ही नहीं। जो बाहर है, जो कहते हैं कि मरते समय गुरु ले जाएगा, तुम नाम ले जाओ, वो गुरु नहीं है, वो तुम्हारा अपना ही मन है, तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 1962 में मैं एमए में पढ़ता था, तो उस वक्त राधा स्वामी सत्संग घर यहाँ बस स्टैंड के पास था, यहाँ बस स्टैंड के पास छोटा सा दायरा था, तो मैं भी उसको सुनने के लिए गया, क्योंकि मैं तो सब महापुरुषों को एक ही रूप से देखता हूँ। तो वहाँ जो मैंने शब्द सुने हजूर राय बाबा चरण सिंह जी महाराज के मुखारविंद से, जो मुझे कभी नहीं भूलते, उन्होंने कहा कि गुरु के दर्शन करने से, गुरु की बात पर चलने से तुम्हारे इस जीवन की जो लोहे की जंजीरें हैं वो कट जाएंगी और अगले जन्म में सोने की जंजीरें आपको पड़ जाएंगी, ऐसा उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे। उस वक्त मैं बड़ा सोचा कि ये क्या कहा है महाराज ने कि लोहे की बेड़ियां कट जाएंगी सोने की पड़ जाएंगी। ओहो हो, जब मैं हजूर महाराज परमदयाल जी महाराज के सत्संगों को विचार किया तो पता लगा कि जो गुरु लेने आएगा मरते समय, तुम्हारा दोबारा जन्म होगा लेकिन पहले से अच्छा होगा, अच्छे परिवार में पैदा हो जाओगे, अमीर परिवार में पैदा हो जाओगे, तुम्हारा शरीर अच्छा होगा, ऐसा मैंने समझा। लेकिन तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। जिसको भी मरते समय गुरु लेने आता है, देवी लेने आती है, देवता लेने आता है, या किसी मंदिर से जुड़ा हुआ है, जा किसी देवी से जुड़ा हुआ है, जहाँ भी उसका अटैचमेंट है, अंतमता सोगता, वही वो जाएगा। और इसका प्रमाण गुरबाणी में भी मिलता है, महापुरुष ने लिखा है कि अंत समय
ऐसा सोचोगे तो ऐसा जन्म होगा, ऐसा ऐसा बड़ा क्लियर लिखा है वहाँ। वो एक लंबा शब्द है किसी महापुरुष का, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो ये है पहली बात जो मैंने आपको बताई, क्या है मंगलमय गुरु के चरण। तुम्हारे अंदर मन से आगे प्रकाश है, जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तुम्हारे को एक बहुत अच्छा ज्ञान, तुम्हारे अंतर की आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे अंतर का प्रकाश खुल जाएगा। जब अंदर का प्रकाश खुल गया तो ना कोई मेरा तो ना कोई तेरा, ना पता पता ज्ञान हो गया कि जो कुछ भी मेरे साथ बीतेगी मेरा अपना ही कर्म है। ये विश्वास हो जाता है कि मुझे कोई दुख देने वाला नहीं है, मेरा दुख कोई देता है तो मैंने जरूर उसको दुख दिया हुआ है, मेरे को कोई तंग करता है तो मुझे जरूर किसी को मैंने तंग किया हुआ है। बात मेरी समझ गए हो? अगर मेरा कोई लूट कर ले जाता है तो मैं भी किसी को लूटा हुआ है। इसीलिए तो दाता दयाल ने क्लियर लिख दिया, मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। हमारा दिया हुआ ही हमें मिलना है। ये भ्रम है कि उसने हमें दुखी किया, उसने ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने बोया है वो ही हम काट रहे हैं। और जहाँ आकर तसल्ली हो जाती है, ना कोई शिकवा रहता है और ना कोई शिकायत रहती है। बात समझ गए? आगे चलो। आगम पंथ नहीं सोचे कोई, शब्द जहाज चढ़ाए पार गुरु की सोई। अब ये दूसरी लाइन, दो लाइनें दाता दयाल जी महाराज लिखी, भव सागर बहुत ही गहरा है, सागर से भी गहरा मैं कह दूंगा। भव सागर क्या है तुम खुद सोचो अपने आप को। इंसान के विचार ही भव सागर है, इंसान की कामनाएं ही भव सागर है, इंसान की वासनाएं ही भव सागर है। जो कुछ भी इंसान विचार करता है, अच्छे या बुरे, नेक या बद, जो कुछ भी वो अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक सोचता विचार करता है, वो सारे का सारा भव सागर है। नेकी करने वाला नेक विचार करेगा, उसका भव सागर अच्छा होगा, वो अच्छा भव सागर तर जाएगा, सुखी रहेगा। बुरे विचार करने वाला का भव सागर बहुत गहरा हो जाएगा, वो उसी में डूबा रहता है, उसका कैसे बुरा हो, उसका कैसे। मैं देखे ऐसे लोग कहीं, तुम्हें देखकर खुश नहीं है ना, तुम्हारे घर का अच्छा कोई चीज़ बन गई वो भी खुश नहीं है, तुम्हारे बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने वो भी दुखी, पता नहीं कहाँ से लाते हैं लूट लूट कर। लोग ऐसा है ना, नजर आते होंगे आपको भी, कोई तुम्हें देखकर खुश नहीं होगा। किसी बच्चे की अच्छी जगह शादी हो गई तो भी ईर्ष्या, ये कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए। और फिर पंजाबी में कहावत है भानी मारना, भानी जानते कम बनते रोक देना, ये तो हो इतने ना देखना कुड़ी ना देना अपनी, सारा घर बर्बाद कर देना। ये भाव सागर सबसे गंदा है, ये भाव सागर तुम्हें लेकर डूबेगा। सोचो, सोचना तो है ही, सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। मैंने तो आपको बताया कि मुझे भी ऐसे विचार आते थे, अब तो मैं समझ गया। तो मैं परमदयाल जी महाराज के साथ जाकर कहा, महाराज मुझे ऐसे विचार आते हैं मैं दुखी हो जाता हूँ, आपको बताया हुआ मैंने पहले भी, तो मुझे तो उन्होंने तरीका बता दिया, एक एक शब्द कह दिया, एक वाणी कह दी, एक मुझे नसीहत दे दी, तो वो शब्द जहाज बन गया मेरे लिए। क्या कहा, फट पड़ो यही लाइन, गुरु शब्द जहाज फिर तुम्हारी मदद करता है उसके भव सागर से तुम्हें निकालने की। पढ़ो ये लाइन दोबारा पढ़ो, मुझे पकड़ने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। भव सागर अति आगम पंथ नहीं सोचे कोई, शब्द जहाज चढ़ाए पार गुरु की सोई। शब्द जब आप भव सागर में होते हैं तो आप दुखी भी होते हो जाते हैं, कोई ख्याल आ गया, किसी तरह का भी ख्याल आ गया तुम दुखी हो जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर कहते हैं
गुरु ने शब्द का जहाज दे दिया। क्या कहा कि कोई नहीं बच्चा, तूने उसको पानी नहीं देना, ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो अपने आप ही सूख जाएगा। मिल गया ना शब्द जहाज। गुरु का वचन जो है वो तुम्हें भवसागर से पार निकालेगा। जैसे ये बेटी आई, कहती मुझे महाराज चिंता रहती है, मैं बेचैन हो जाती हूँ, ये मैं कहता हूँ चिंता मुझे दे जा, जहाज दिया ना मैंने, जहाज दिया, अब ये जहाज चलेगी तभी पार होगी। अगर इसने छोड़ी नहीं चिंता तो मेरे कहने का क्या फर्क हुआ। मैं वैसे भी समझाया कि छोटे मोटे ऑपरेशन है, कुछ नहीं होता, आपने चिंता नहीं करनी। अब अगर इसको विश्वास हो गया छोटा मोटा तो कुछ भी नहीं, फिर कुछ नहीं होगा, बात समझ गए। अगर तू भय रखा, ओए उन्होंने ये कर देना, ओए उन्होंने ये कर देना, वो छोटा ऑपरेशन भी तेरे लिए बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। क्या कहा मैंने, बात समझ रहे वहाँ पर। वचन के ऊपर विश्वास रखो। गुरु, अगर किसी को गुरु माना तो, मैं तो गुरु हूँ नहीं, ना मैं संत हूँ, ना मैं महात्मा हूँ, मैं तो तुम लोगों का सेवक हूँ। तुम जो मर्जी मुझे समझो, तुम्हारी समझ ने तुम्हें पार करना है, मेरी समझ ने मुझे बचाना है। बात को पकड़ो, क्या कहा मैंने। मैं अगर कुछ बनता हूँ तो मैं जरूर टूटूंगा, मेरा नुकसान होगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं बंधन में आ जाऊंगा। अगर कुछ समझूं कि मैं हूं कुछ, तो मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरा इसी भी सोचकर भरा है मेरा। तो जो गुरु समझते मैं गुरु हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वो वास्तव में कुछ भी नहीं है, बंधन में है। बात कहा मैंने। तो अगर तुमने मान लिया तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पार करना है, मैंने नहीं करना, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें पार करना है, मैंने नहीं करना, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें पार करना है, क्या कह, इससे परे मैं और क्या कहूँ आपको। यही मेरे दाता परमदयाल जी महाराज कहते रहे कि मैं कुछ नहीं करता, तुम्हारा ही विश्वास करता है। और एक बात और कह देता हूँ, और मैं कह देता हूँ, तुम्हारा विश्वास कब बनेगा? तुम्हारा विश्वास भी तब बनेगा जब उसकी रहमत होगी, वरना तुम्हें विश्वास भी नहीं आएगा। गगन में क्या कहा, जब उसकी दया हो जाएगी तो तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये बात ठीक है। अगर अभी भी आपका मन काल मत में है, अभी भी तुम डावाडोल हो, तो तुम्हारा विश्वास भी डावाडोल हो जाएगा। इसलिए मेरे दादा परमदयाल जी महाराज कहा करते थे कि ऐसा विश्वास बनाओ जैसा मीराबाई का था, कि ये जहर हो नहीं सकता मेरे गिरधर का विश्वास प्रसाद, और वो क्या हो गया, वो अमृत हो गया। ऐसा विश्वास हो जो तन्ना भक्त का था, कि मैं तो रोटी खाने नहीं जा तक तू मेरे नाल बैठ के ना खाए। बात समझ गए। इसलिए उसकी रहमत को मानो, उसके वचन को मानो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वरना भवसागर इतना गहरा है, तुम किसी सोच में बैठ गए, तुम्हारा सिर तुम्हारे घुटने में आ जाएगा। सोचने वाला आदमी का क्या होता है, सिर थल्ले, वो झुक जाता है, विचार करता 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 झुक जाता है। और जब आदमी खुश होता है तो उसका सिर ऊपर को जाता है। फर्क देखा, खुशी इंसान हा हा करके सिर ऊपर को ले जाता है, और जो दुखी होता है उसका सिर नीचे, अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कहा मैंने, तो भवसागर से कौन पार करता है? गुरु का वचन, गुरु का शब्द, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। गुनने का मतलब बार बार रिपीट करो, बार बार। मुझे भी ख्याल ऐसे आ जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी बताता हूँ, मुझे भी ऐसे ख्याल कई आ जाते हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं, मुझे एकदम बाबा की के वचन याद आ जाते हैं। शब्द जहाज है ना मेरे पास, मेरे पास शब्द जहाज है, मेरे गुरु का दिया हुआ वचन, कि ये बच्चा कुछ भी नहीं, ये माया है, छोड़ इसको। अब समझ गए मेरी बात को, तो वो दो मिनट के लिए असर होता है और फिर वो गायब हो जाता है, विचार चला जाता है, दोबारा नहीं मेरे पास आता है। बात समझ गए। है विश्वासम फलदायकम,
शास्त्र कहते हैं विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। आगे पढ़ो। बुरत रहे मझधार मिला नहीं कोई सहाई। कहते हैं दाता दयाल ऐसे लोग डूब रहे हैं मझधार में, कोई नहीं मिला सहारा। ऐसे लोगों को जो बाहर की दुनिया में डूबे हुए हैं, बाहर के झंझटों में फंसे हुए हैं, दुनिया को मैं तो कई दफ़ा दुनिया देखकर मैं तो मालिक को कहता हूँ कि आपने ये इंसान पैदा किए हैं, ये कि इंसान हैं सही, जो जे ऐसा ईर्ष्या द्वेष झगड़े किसी धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं देश के नाम पर, कहीं राजनीति, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सुन लेता हूँ मैं, खबरें तो सुनता नहीं हूँ, लेकिन बात पता लग जाती कि क्या हो रहा है देश में, क्योंकि देश में रहता हूँ, इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, तो मिट्टी के साथ मेरा प्यार है। गुरुओं की धरती है ये, महापुरुषों की धरती है मेरा भारत। मैं वहाँ गया, क्या नाम है, यूपी में गया, वहाँ क्या नाम था, अन्नाव गाँव, तो वहाँ मैंने यही बात कहा कि मैं गुरुओं की धरती से आया हूँ, संतों की धरती में आया हूँ। बनारस में दो संत हुए, महान संत हुए, जिनको आदि संत कहा जाता है, संत कबीर और संत रैदास जी, वो वहीं उधरी यूपी में पैदा हुए ना, लेकिन वहाँ वो उनको कोई नहीं पूछता, चले हुए हैं इधर हमारी तरफ को आ रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं, ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करता है। क्यों? ज्ञान 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 से जिंदगी सुधर जाती है, अज्ञान से जिंदगी बर्बाद होती है, और उनको अज्ञान में रखा जा रहा है, अज्ञान में जानबूझकर रखा जा रहा है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। मैं हमीरपुर में था, तो एक लड़का, एजुकेटेड लड़का, बड़ा अच्छा होनहार लड़का, पब्लिक के भलाई के लिए काम करने वाला, उसको टिकट मिल गया किसी पार्टी का, और वो जीत गया, और वो जीत गया हमीरपुर में, ये परागपुर कंस्टिट्यूंसी पड़ती है। वो जीत गया, उसने बड़ा ही काम किया, स्कूल खोले सरकार की तरफ से, क्लिनिक खोले, हेल्थ सेंटर खोल दिए, सड़कें बना दी अपनी सारी कंस्टिट्यूंसी में, बढ़िया से बढ़िया सड़कें, बढ़िया से बढ़िया स्कूल, बढ़िया से बढ़िया हेल्थ का प्रोग्राम, पानी का इंतजाम सारा कर दिया। जब पाँचवें साल के बाद फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुआ, पाँचवें साल के बाद जब इलेक्शन लड़ी तो वो हार गया। उसकी पत्नी ने भाषण दिया बड़ा ज़बरदस्त भाषण दिया। उसने कहा, मेरे पति ने बहुत बड़ी गलती की इन लोगों के लिए इतनी सुविधाएं देना, इन लोगों के लिए सड़कें बनाना, इनको अच्छे स्कूल देना, ये वैसे ही ठीक थे जैसे पहले थे, इनको बेवकूफ़ बनाए रखो तो ये वोटें डालते हैं, अकल दे दी तो इन्होंने वोटें देनी बंद कर दी। ये मेरी आंखों देखी बात है, मेरी बात समझ गए? हम मूर्ख बनकर जीना ज्यादा अच्छा समझते हैं, अपने आप में अकल नहीं लेना चाहते, अपने पैरों पर आप खड़ा नहीं होना चाहते, और ना ही हमें खड़े होना दिया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए कहा, पढ़ो लाइन ये, दाता दयाल जी क्या कह रहे हैं, आज से 200 साल पहले क्या कहा उन्होंने, बुढ़त रहे मझधार, बुढ़त रहे मझधार मिला नहीं कोई सहाई, आए गुरु दातार बाजा मेरी ठोर लगाई। कहते मैं तो बूढ़ा हुआ, तो डूब रहा था मझधार में, मैं तो अपनी बात करता हूँ, किसी की क्या बात करना। कहते मैं तो डूब रहा था, किस में, इस ख्याल में कि मुझे गुरु नहीं मिल रहा, क्योंकि माँ से एक संस्कार मिला था कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं और ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं। डूबा हुआ था, भटक रहा था, पता नहीं किस किस को पूछा मैंने कि तुम गुरु हो तो मुझे बात बताओ,
तुम गुरु हो तो ये बताओ, कोई नहीं मिला फिर क्या हुआ, फिर पढ़ो यही लाइन। बूढ़ा तो रहे मझधार मिला नहीं कोई सहाई, आए गुरु दातार बा मेरी ठार लगाई। फिर क्या हुआ, उस ख्याल से निकाला किसने, गुरु मिल गया और बा पकड़ के मुझे ठिकाने पहुंचा दिया। तुम्हें भाव सागर से कौन निकालेगा, केवल गुरु का वचन, वाणी नहीं, वाणी गुरु है मगर क्या वाणी पर कोई चलता है, नहीं चलते। पढ़ते हैं हम, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं हम, संस्कृत वाले पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि समझ ही नहीं आती। वो भाई संस्कृत बोलकर चले जाएंगे, तुम्हें क्या पता लगता क्या कहा उन्होंने। गुरु साहिबान ने क्लियर लिखा, सब कुछ लिख दिया और हमारे लिए एक बहुत पवित्र चीज तैयार करके हमें दे दी कि लो ये तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम उस पर विचार करते हैं, हम नहीं विचार करते। उन्होंने क्लियर लिख दिया, बड़ा बढ़िया लिख दिया, बलहारी जाऊं कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लिखिया। क्लियर लिख दिया गुरु महाराज ने कि तू कुदरत में है, हर जगह है लेकिन तेरा अंत नहीं मिलता। उस कुदरत को हम क्या समझते हैं, उस कुदरत के निजम को हम क्या समझते हैं। कुदरत का सबसे पहला असूल देख लो, पहले धरती माँ को ले लो। धरती माँ कोई किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं करती। इस धरती पर हर तरह का इंसान पैदा होता है, इस धरती माँ से जो बोगे वो ही तुम्हें मिलेगा, ये कोई भेदभाव नहीं करती। और हम सब मरने के बाद इसी में ही सिमट जाएंगे, ये नहीं कहती कि तू मेरे अंदर नहीं आ सकता, तेरी राख मैं कभी उड़ नहीं करती, करती है कुछ नहीं। धरती माँ से सीख लो भाई, लेकिन हम इसी धरती माँ में जो हमें सिखाती है कि हम सब एक हैं, हमारी भूख रोटी से ही मिटेगी, बाकी चीज़ों से नहीं मिटेगी, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सूर्य देवता हम सबको रोशनी देता है, आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को कहाँ से ज्ञान हुआ, वो एक दिन कलकत्ता में सैर के लिए निकले तो क्या देखते हैं कि इधर तो बहुत सुंदर बगीचा है, फूल खिले हुए हैं और दूसरी तरफ गंदगी का शहर का ढेर लगा हुआ है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो खड़ा होकर सोचने लगे कि कुदरत, वाह, सूर्यदेव कोई किसी तरह की ईर्ष्या नहीं करता, कोई द्वेष नहीं करता, वो फूलों को भी अपनी रोशनी दे रहा है और गंदगी को भी अपनी रोशनी दे रहा है। वहीं से अंदर उनके ज्ञान का फुहारा फूटा और उन्हें गीतांजलि लिख दी, जिस पर उनको भारत रत्न का एक नोबेल प्राइज उनको मिला, ज्ञान मिला ना। सोचा उन्होंने, क्या हम ऐसा सोचते हैं, क्या बारिश जब पड़ती है तो वो भेदभाव करती है, जब हवा चलती को भेदभाव करती है, आकाश कोई भेदभाव कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं। इसलिए संतों ने कह दिया, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लिखिया, तेरा अंत तो नहीं जान सकते पर ए बंदे कौन समझावे, ए नहीं बंदे बने, इंसान ही नहीं बने। और जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, हम ईश्वर परमेश्वर को नहीं जान सकते, हम कुदरत के निजम पर नहीं चले, कुदरत के असूल को नहीं हमने अपनाया, हमने अपने मन के असूल को अपनाया। इसलिए ये कुदरती बात है, ये असूल है, तो गुरु तो उसको ही मिलेगा, मालिक तो उसी को मिलेगा जो केवल उसकी डिमांड कर रहा है, जिसके दिल में ये एक जब पिछले जन्मों का समझ लो असर होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। हो सकता है मेरा कोई पिछला जन्म इतना अच्छा होगा जिससे मैं परमदयाल जी महाराज के श्री चरण में आया और उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे जीने का राज बता दिया,
दीन भी बनाया और दुनिया भी बना दी। और इसलिए कब तक, जब तक गुरु की बाँ नहीं तुम्हें मिलती। गुरु की बाँ क्या है? गुरु का शब्द। और क्या बाँ? मेरे दाता कहा करते थे, परमदयाल जी महाराज, दाता दया ने लिखा कि इनको अंग लगा कर ले जाओ, भवसागर से पार ले जाओ, तो मेरा अंग तो भाई ये बाजू है या बाँ है या पैर है, और तक कि मेरा अंग नहीं है। अगर तुम सारे मैनु फड़न लग जाओ कि बाबा तेरा अंग पकड़ना, असी बाँ फड़नी, उंगली फड़नी, तो मैं तो दब जाऊँगा। मेरा अंग मेरी बाणी है, बाणी को पकड़ो। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच, बाणी अमृत सारे। चाहे आप किसी महापुरुष का लिखा हुआ वचन ले लो, चाहे आप किसी सतपुरुष का जो प्रेजेंट है, जो उस लेवल पर रहता है, जहाँ उस लेवल का ज्ञान रखता है, जहाँ उस लेवल का अनुभव किया है, उसका वचन को सत्य मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वरना मन में रहते हुए तो दुख भी लेना होगा, सुख भी लेना होगा, और अपने ही किए हुए मन का फल तो हमने भोगना ही भोगना है, उसको कोई काट नहीं सकता। तुम्हारे कर्म का फल ना परमेश्वर काटेगा, ना ईश्वर काटेगा, ना कोई गुरु काट सकता है, ना कोई देवी काट सकती है, ना कोई देवता काट सकता है। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। तो कर्म प्रधान है। कर्म देखो तुम क्या कर रहे हो, किस ख्याल से कर रहे हो, किस नियत से कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। आगे करो। नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया। फिर गुरु करता क्या है? नाम रूप और भेद तीन चीजें हैं। नाम किसका है, उसमें भेद क्या है, उसका वो बताता है कि व्हाट इज दैट नाम, वो नाम क्या है। फिर पढ़ो यही लाइन, में जब खोल देता हूँ इस बात को। हाँ, नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया। भरम भेद भी मिटा दिया। अगली लाइन, पर्या भेद दर्शाए, भेद का फंद छुड़ाया। बंद छुड़ा दिया, सारा कुछ छुड़ा दिया। पहले सवाल ये है कि नाम क्या है, किस किस चीज का नाम है? वो जो हम सिमरन करते हैं, वो किस चीज का सिमरन करते हैं, वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? सिमरन का नाम का मतलब है किसी जगह का नाम, किसी रूप का नाम, किसी चीज का नाम। बात समझ गए? जो चीज है उसका नाम है, जो चीज है नहीं उसका नाम नहीं है। कोई ऐसी चीज है दुनिया में जिसका नाम नहीं है? हाँ, उस वो एक है नाम जिसका नाम नहीं है, जिसका रूप भी नहीं है, जिसका रंग भी नहीं है, वो एक हस्ती है। वो हस्ती है, उस हस्ती का नाम रखा गया, संतों ने रखा। किसी ने उसको परमेश्वर कह दिया, किसी ने उसको ईश्वर कह दिया, किसी ने उसको गॉड कह दिया, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको अनामी कह दिया। बात समझ रहे हो मेरी बात को? किसी ने उसको अलख कह दिया, किसी ने उसको अगम कह दिया। बात समझ रहे हो कि वो देखा नहीं जा सकता, वो इतना गहरा है। किसी ने उसको गॉड कह दिया, वो भगवान है। और जब ये त्रेता युग में राम को मानने लगे, राम के नाम से हमने उसको जाना कि वो राम है, और फिर ये द्वापर युग में आ गए तो भगवान कृष्ण को हमने मानना शुरू कर दिया कि वो भगवान है, जबकि संतों ने ये कह दिया। सो क्यों सिमरे नानका, जो जम्मे ते मर जाए। बात को पकड़ो। संतों ने कहा कि उसको याद क्यों करना, उसका सिमरन ध्यान क्यों करना, जो जन्मता है और मर जाता है। फिर क्या कहा? सो क्यों सिमरे नानका, जो जम्मे ते मर जाए। सोई सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए। उसको क्यों नहीं याद करते जो हर जगह पर मौजूद है,
जल में भी वो है, थल में भी वो है, आकाश में भी वो है, जमीन पर भी वो है, वो हर जगह सर्वव्यापक है, उसको क्यों नहीं याद करते? उसका फिर नाम रख लो, जो मर्जी रख लो नाम। मेरे बाबा फकीर जी ने तो खुला कर दिया, मैं बेशक राधा स्वामी नाम को जपने वाला हूँ, राधा स्वामी नाम को मैंने सिमरन किया है या उसी में मैं रहता हूँ, तुम जिस मर्जी नाम से उसको याद कर लो, और वो नाम तुम्हें कहाँ पहुँचाएगा ये देखना है। भेद, ये भेद बताया किसने? केवल बाबा फकीर जी ने बताया कि वो नाम क्या है, वो प्रकाश और शब्द से भी परे रहने वाला है, वो नाम है। और उसका नाम संतों ने अनुभव के आधार पर कहा वो क्या है, वो राधा स्वामी है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो तुम्हारे अंदर एक प्रकाश है, वो तो चरण है, वो तो पद है, गुरु का पद कमल है, मंगलमय शब्द कमल है, चरण है, और जो शब्द है वो गुरु का रूप है, और इन दोनों को सुनने वाला और देखने वाले तुम हो, और तुम हो सुरत रूप में। क्या कहा, क्या मिटाया गुरु ने, गुरु ने क्या समझाया कि जो तू नाम जपता है बेटा, ये उस स्थान का नाम है जहां से तू आया है। गगन पकड़ो बात को, क्या कहा मैंने, फिर बोलो। नाम रूप का भेद दिया। पहले भेद देख लो क्या है, वो नाम का भेद क्या है, नाम किसका है, वास्तव में वो नाम तुम्हारा ही है, तुम्हें अपने आप को मिलना है, वहां तो कुछ है नहीं, तुम्हें अपना अनुभव हो जाएगा, और तुम फिर किस में मिलीन हो जाओगे, एक सागर में। तुम केवल चेतन स्वरूप हो, तुम केवल सुरत रूप हो, यू आर सिंपली एन एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, और आप उस महान कॉन्शियसनेस में जिसको कुछ सीमा नहीं उसमें चले जाओगे। यही मेरे दाता फरमाया करते थे कि जब मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उसकी खोज करता हूँ जो शब्द को सुनता है, सुनती है चीज, और जो प्रकाश को देखती है, उसकी सीमा नहीं मिलती, उसकी मुझे था नहीं मिलती, वो कितनी विशाल है, वो सर्वव्यापक हो जाती है। संत हमेशा सर्वव्यापक हो जाते हैं। मैंने इसकी किताब, परमदयाल जी महाराज की किताब है जिसको अंग्रेजी में मैंने लिखा, अभी वो फाइनल नहीं की मैंने, सेंट ड्वेल्स इन इन्फिनिटी। संत कहाँ रहते हैं, वो असीम अवस्था में रहते हैं जिसकी सीमा कोई नहीं है, बियॉन्ड सी में रहते हैं, वहाँ दुनिया तीन दुनिया कुछ भी नहीं है, वो हैं। इसलिए भेद पहले बताया, नाम किसका है और वो क्या है, वो उस स्थान का नाम है जहाँ से मैं आया हूँ या जहाँ से तुम लोग आए हो, बात मेरी समझ रहे हो? लेकिन वहाँ जाने के लिए तैयार कौन है? जो तलवार की धार पर चलने वाला है वो ही जाएगा वहां। तलवार की धार है जे, बिल्कुल निर्लेप होकर रहना पड़ेगा, निस्वार्थ होकर रहना पड़ेगा, कोई काम अपना नहीं है, जो कुछ काम है उसका है, और उसी लिए मैं कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तब आप निर्लेप हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर स्वार्थ आ गया तुम बंधन में आ जाओगे। जहाँ तुम्हारा अपना ख्याल आया कि मैं ये कर लूँ अपने लिए, ये कर लूँ, तो वहाँ तुम गए। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो जाइएगा। नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया, पद अभेद दर्शाए, भेद का बंध छुड़ाया। कह दिया कोई गुरु तुम्हारे अंदर नहीं आता, तुम्हारा विश्वास है, कोई देवी बाहर से नहीं आती, तुम्हारा विश्वास है, कोई तुम्हारा कर्म नहीं काट सकता, ना भगवान ना ईश्वर ना गुरु, तुम्हारा कर्म तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, अच्छा भी बुरा भी। इसलिए तो दाता ने लिखा, क्लियर लिखा कि इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, कोई जरूरत नहीं है।
तो अपनी नीयत को साफ कर और अपना कर्म ठीक कर, बस इससे बड़ा और पूजा क्या हो सकती है। अपने काम के ऊपर दृष्टि रखो कि मैं काम जो कर रहा हूँ इसके पीछे मेरा मकसद क्या है, वॉट फॉर आई एम डूइंग दिस। अपने पेट भरने के लिए केवल कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, 420 कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम कहीं कभी नहीं रहोगे वहाँ। तुम्हारा सिमरन भर, जो ऐसा काम करते हैं वो सिमरन कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है। सिमरन भी वही कर सकते हैं जो नेक नीति पर चलते हैं, जो नेक नीति हक्का लाल की कमाई खाते हैं। मैं एक दिन सुन रहा था वो क्या नाम है उसका, क्या नाम थी पांडवा की पत्नी क्या थी, द्रौपदी। द्रौपदी ने आखिर में भीष्म पितामह को पूछा जब वो शैया पर लेटे, बात को ध्यान से सुनना, लेकिन सुनते ही हम बात को मानते नहीं हैं। भीष्म पितामह को कहा, पितामह आपका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, करती रही हूँ, अब भी करती हूँ। जब मेरे चीरहरण हो रहा था, जब मेरा चीरहरण हो रहा था, बाकियों का मुझे किसी पर एतराज नहीं है, पर आप पर एतराज है। आपने भी एक शब्द नहीं बोला मेरे हक में, आपने भी रोका नहीं उसको कि तू इस हमारी बेटी को क्यों निर्वस्त्र कर रहा है, क्या कारण है। वहाँ एक बात कही भीष्म पितामह ने जो बहुत मतलब रखती है। उसने कहा, बेटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं क्यों नहीं बोला, मैं तेरे हक में क्यों नहीं उठा, मैंने क्यों नहीं विरोध किया उस पापी का जो तुरे निष्वस्त्र कर रहा था। मैंने दुर्योधन का नमक खाया हुआ था, दुर्योधन का नमक मैंने खाया, उस नमक ने मुझे बांध लिया। इसलिए पंजाबी में कहते हैं बड़ा नमक हरामी है, नमक खा के भी धोखा करता है। क्या मतलब इसका, हक हलाल की कमाई, जिसका नमक खाओगे उसके साथ तुम्हें चलना पड़ेगा, उसके लिए भला सोचना पड़ेगा, उसके लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए अच्छी भलाई करनी पड़ेगी, तब तो तुम तर जाओगे। अगर तुम नमक खा के भी गलत काम करते हो तो फिर तुम नहीं बच सकते। क्या कहा मैंने, मैंने आपको मिसाल दे दी, आपको मिसाल दे दी कि या तो तुम ऐसा बन जाओ कि सबका भला चाहो फिर नमक खाते हो तो, या फिर केवल अपनी कमाई खाओ तब बात बनेगी। अगर साफ क्लियर बात करती ना, भेद का भेद बता दिया मैंने, ये भेद है और यही नाम का भेद है। नाम है किसका, उस स्थान का जहाँ से हम आए हैं, और उसको संतों ने फिर अनामी कह दिया, जिस जिस जगह के जहाँ कोई जहाँ तक पहुँचा, कोई जहाँ तक किसी का अभ्यास गया उसने उसी स्थान का ही वर्णन कर दिया। किसी में रिद्धि सिद्धि आ गई वो सिर मारने लग गया, वो ये करने लग गया, वो करने लग गया, वो करने लग गया, बात समझ गया। कोई जंतर मंत्र में फंस गया, कोई किसी और में फंस गया, कोई किसी और, सब नीचे की बातें करते हैं। वहाँ वहाँ जो पहुँचना है वो रास्ता ही अलग है, और वो केवल गुरु मत है और वो केवल संत मत है। क्या कहते हैं फिर पढ़ो। नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया, पर्या भेद दर्शाए, भेद का फंद छुड़ाया। कोई सारे भ्रम दूर कर दिए, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई चिन्ह है, ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई तुमने मान लिया तो तुम अभी काल में हो, तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम क्या हो, तुम प्रकाश रूप हो, तुम क्या हो, तुम शब्द रूप हो। भेद खत्म हो गया ना, किसको मानूं, किसकी पूजा करूं, गुरु की पूजा करूं। गुरु क्या है, गुरु भी प्रकाश है तो गुरु भी शब्द है, और तुम उसको देखने वाले हो,
और तुम ही उसके प्यारे हो, बाकी दुनिया का प्यारा कोई हो नहीं सकता। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। राधा स्वामी पद कमल मन मधुप लुभाना। अब कहते राधा स्वामी के चरण मुझे मिल गए और वो बहुत ही लुभाना है, बहुत ही सुंदर है। हैरत 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 होई, हैरत नाम धरातन सोई। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। वो कहते वो अनाम है, वहाँ कुछ भी नहीं है, नाम कोई वेद है ना शास्त्र। यही कभी साहब ने भी लिखा लेकिन कभी किसी ने सुना, हमें फंसाया है। ये करो वो करो वो करो वो करो, कुछ भी करना नहीं है। ए इंसान, तेरा खट ही मंदिर है, तेरा शरीर ही मंदिर है, और ये बहुत विशाल मंदिर है, मगर हमने किया क्या, इसको इसको ऐसा बर्बाद कर दिया, खाने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, हमने इसको अंदर पता नहीं क्या क्या डाल दिया। बात समझ रहे हो मेरी? हमारे अंदर तो बहुत कुछ है हमारे, इसीलिए तो कह दिया संतों ने, तीनों बंद लगा कर सुन अनहद चुनकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं बोल। वहाँ तो न दिन है न रात है, तू सुन तो ले अंदर तेरे क्या हो रहा है। तेरे अंदर ही घंटे बज रहे हैं, तेरे अंदर ही शंख बज रहे हैं, तेरे अंदर ही ओम ओम की धुनि आ रही है, तेरे अंदर ही बंसरी बज रही है, तेरे अंदर ही वीणा बज रही है। तो बाहर तो बंसरी वाले की पूजा करने की लोड़ है, वो तो अंदर ही बोल रहा, अंदर बंसरी बोल रही है, बाहर घंटी क्या बजानी, अंदर बज रही है। शंख क्या बजाना, अंदर बज रहा शंख, मगर वहाँ जाता कौन है। लोगों ने इजी कर लिया अपना सिस्टम, पानी डालिया वो इधर कमाया, बटू वटू कर दिया, ठीक है घंटी भिजा दी, जा बड़े घंटे लगे हुए शब्द मंदिर लगे हुए ना, वो कमा ले बस। ए इंसान तू भूल में है, ए इंसान तू भ्रम में है, तू पता नहीं कितने जन्म अभी यहाँ घूमता रहेगा, कितने जन्म तू काटेगा, कितने दुख तू उतारेगा, तुझे तेरा अपना ज्ञान नहीं है। चल जा किसी संत के चरण में, चला जा किसी महापुरुष के चरण में, जाकर बैठ उसकी बात को ध्यान से सुन और उस पर चल, तेरा कल्याण हो जाएगा। बस ये मैं समझा हूँ, तो फिर पढ़ो राधा स्वामी के। राधा स्वामी पद कमल मन मधुप लुभाना, मन वाणी के परे मिला धुर पद निर्वाणा। अब कहाँ मिला वो, कहाँ मिला वो पद निर्वाण का पद, कहाँ मिला मन और वाणी से परे। ना वहाँ मन है ना वहाँ वाणी है, और वो क्या है, वो प्रकाश है और वो शब्द है। क्लियर लिख दिया दाता दयाल जी, जहाँ मन काम कर रहे हैं, जहाँ गीत गाए जा रहे हैं या तालियां बजाई जा रही हैं या कोई नाच रहे हैं, वहाँ वो है नहीं, वो तो मनोरंजन है, वो मनोरंजन है, कुछ भी नहीं है। कोई तिलक नहीं काम करेगा, चाहे सीधा लगा लो चाहे उल्टा लगा लो, चाहे चंदन का लगा लो तो, चाहे क्या नाम है लाल लाल रंग का क्या होता सिंदूर का लगा लो, उससे तुम पार, तुम धोखा दे सकते हो दुनिया को, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा अपना कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। घूमते रहोगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और ना जाने फिर कैसा जन्म होगा, ना जाने कैसा होगा। देख लो दुनिया का हाल, देखते नहीं हैं लो। गुरु नानक साहब जा रहे थे, गुरु नानक साहब साखी की बात सुना देता हूँ, तो क्या देखते हैं के दो बच्चे चल रहे हैं, एक उसकी पीठ पर है दूसरा उसको उठाए चल रहा है, दो जुड़े हुए हैं, अभी पैदा होते हैं, किसी के सिर जुड़े हुए हैं, किसी के सिर जुड़े हुए हैं, सिर तो बहुतों के जुड़े हुए पैदा देखे मैंने अखबारों में, इसमें आ जाता है टीवी में खास खास आ जाता है। तो वो ऐसे कि उनका दोनों के पैर भी हैं, दोनों के सिर भी अलग अलग हैं, लेकिन पीठ जुड़ी हुई है। तो गुरु साहब कहते हैं, देखा गुरु नानक साहब ने, हे भगवान अपनी दया करना, अपनी मेहर करना,
तो वह बंदा बोलिया जरा चले जा रहे थे, वह कहता बाबा ये तो परे की करूंगा हो जो दो जुड़े सी ना जिन चक्या सी उन्हें कहता समझे बाबा अमी है ये तो परे होर की करूंगा कारी दया तुझे क्या रहम कर रहम करेगा रहम करेगा क्या रहम करेगा होर की रहम करेगा चल बात आई चलेगी। तो एक महीना हुआ दो महीने हुए चार महीने हुए गुरु नानक साहब तो तुम्हें पता बैठते ही नहीं चलते ही रहते तो फिर कितने जा रहे हैं तो की देखते हैं वो ही फिर मिले तो उन्होंने चेक मरिया है वो पिछले उत्ते तो दूजा चला रहा लैके जा रहा तो उन्होंने क्या दाता कभी गुरु नानक ने फिर देख के क्या वाह हमारे मालिक दे हम कर कहना बाबा तू छे महीने पहला भी मिलया सी तो यही गल कही सी तो मैं बड़ा बेवकूफ मैं क्या होर की करना कहना यह मर गया तो देखो हूँ मैं पिट्ठ के उत्ते चक्या है उस वे तो ठीक से असं गल कर लेंगे सी आपस में ही तो यह कभी ये मैं चक लेंदा कभी मैं इनू चक लेंदा सी तो हूँ ये मरिया मेरे पिछे ना मेरे पिछा सड़दा ना मैं इन्हों को गल कर सकता सड़न पे लोग लागे भी नहीं खड़े हो देंगे तू बाबा तू ठीक किया सी बाबा मेरे से मेरी बहुत गलती हो गई मैनू माफ करना लेकिन वो वक्त होता है वक्त होता है। कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए मान लो जो हो रहा है जिंदगी में हमारे भले के लिए हो रहा है यही मेरे दादा बाबा फकीर ने हमें कहा कि बच्चा ये विश्वास कर लो कि जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर तुम्हारा ये विश्वास बैठ गया तो तुम्हारा कभी बुरा होगा नहीं क्योंकि विश्वास में काम करना है बात मेरी समझ गए ना। इसलिए आज मैंने एक परसों चौथ बैठा था तो मेरे मन में ये जपन गूंज रहा था शब्द जे गूंज रहा था तो मैंने परसों फिर किताबें निकाली मैंने कहा देखूँ ये शब्द जो गूंज रहा है मेरे दिमाग में इसको देखो तो सही कहाँ है तो फिर ये किताब निकाली मैं तो इसमें से इसको मैंने कल टेलीफोन किया कि तू ये पढ़ लेना भाई कल मैं ये शब्द पर बोलूँगा बात मेरी समझ गए ना। तो इसलिए देखो यहाँ कोई जमघटा नहीं है बड़ी खुशी की बात है तो तुम मेरे साथ बात कर सकते हो कहाँ कोई जाकर बात कर सकता है टेलीफोन आते हैं मुझे 27-27 साल 20-20 साल हो गए लोगों को नाम दिए हुए बस ऐसे ही हैं जैसे पहले थे वैसे आप हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम्हें एक ऐसे सतगुरु का परिवार मिला है विचार मिला है स्थान मिला जहाँ तुम अपने मन की बात कर सकते हो खुली बात कर सकते हो बात समझिए। तो मेरी आप सबको बहुत प्यार भरा राधा स्वामी मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करे आपके मन को सहारा मिले और आपको दाता ऐसी मेहर करे कि तुम्हें वो झलक मिल जाए कि तुम हो कौन वो झलक मिल जाए तो आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा आप खुश रहोगे प्रसन्न रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।